ब्राजील में वर्ल्ड कप फुटबॉल का शुरू हो गया, रंगारंग कार्यक्रम, पहला मैच हो गया आज, बहुत जबरदस्त मुकाबला और स्पेन और नेदरलैंड्स के मुकाबले में क्या होता है हम सबको इंतजार। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फीफा की वजह से एक विवाद गोवा में भी, फुटबॉल लविंग स्टेट कहा जाता है, वहां हो गया और गोवा के विधायक और मंत्री अब सरकारी खर्चे पर फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने ब्राजील नहीं जाएंगे। राज्य की मनोहर पर्रिकर सरकार ने इस दौरे को रद्द कर दिया है और इससे पहले खबर यह थी कि राज्य सरकार के 6 विधायक, जिसमें 3 मंत्री हैं और उनमें से एक खेल मंत्री हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने के लिए ब्राजील जाएंगे ताकि वो आकलन कर सकें तैयारियां कैसे की जाती हैं, क्योंकि गोवा ने कहा है कि वो चाहता है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप वो अपने यहां ऑर्गेनाइज करे और ऐसे में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, किस तरह की तैयारियां होती हैं, वो सारी बातें वो समझने के लिए गोवा से ब्राजील जाना चाहते थे एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर। लेकिन खबर यह भी आई कि केवल नेता जा रहे हैं, वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं जा रहा है। कोटिन्हो, जो कि वहां के अच्छे फुटबॉलर माने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर, उन्हें भी नहीं ले जाया जा रहा था, सिर्फ नेता जा रहे थे और हंगामा हुआ और उसके बाद राज्य सरकार ने कैंसिल कर दिया है यह ट्रिप। बताया यह भी जा रहा है कि इस ट्रिप के कैंसिलेशन के पीछे दरअसल कहानी यह भी है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में होंगे और विवाद बढ़े नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री ने इस ट्रिप को ही कैंसिल कर दिया है। चलिए अब एक सीबीआई से जुड़ी हुई खबर और एलटीसी घोटाला, कई सालों से चल रहा है ये एलटीसी घोटाला, जिसमें कि एक सुविधा होती है सांसदों को कि वो जा सकते हैं, लीव ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें घोटाले सामने आए हैं और सीबीआई ने 6 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है। और केस यह है कि फर्जी यात्रा बिल बनाया जाता था और उससे भत्ते लिए जाते थे। पहला केस इस तरह का है, जिन सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें से 3 मौजूदा और 3 पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और इन सब के खिलाफ धारा 420 और 13(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में दिल्ली, उड़ीसा समेत 10 जगहों पर सांसदों के ठिकाने पर छापेमारी भी की गई है। जिन सांसदों पर केस हुआ है वो है टीएमसी के डी बंदोपाध्याय, बीएसपी के ब्रजेश पाठक और एमपीएफ के लालमिंग लियाना, जबकि बीजेपी के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, बीजेडी के रेणुबाला और आरएलडी के महमूद मदनी पर भी केस दर्ज किया गया है। इन सबों से जब जानकारी करने की कोशिश की गई तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि दरअसल ट्रैवल एजेंट्स बड़े जालसाज होते हैं और उन्होंने ही हमारे सांसदों को फंसाया है। लेकिन गलत फर्जी बिल बना करके पैसा उगाहने की कोशिश सांसदों के द्वारा और उस मामले में फंस गए 6 सांसद, 3 उसमें से अभी भी सिटिंग हैं, 3 पूर्व सांसद। एलटीसी में स्कैम हुआ है, इससे साख गिरती है राजनेताओं की भी और जो संसद सदस्य हैं उससे समाज अपेक्षा करता है कि वो आदर्श बने समाज का, बेसिक ईमानदारी का नहीं है। ये एलटीसी में बेईमानी करते हैं, ठेकों में बेईमानी करते हैं, ये कमेटीज में बैठ के जो काम करते हैं उसमें बेईमानी करते हैं, जब ये सरकार चलाने का मौका मिलता है देश को बेच डालते हैं और इसीलिए सारी लड़ाई है, देश के लिए कुछ करने की लड़ाई थोड़ी है। 90 का दशक साक्षी है कि किस तरह से आरक्षण ने हमारे देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था। आरक्षण फिर से और कभी कभी हमेशा चुनाव के पहले सामने आ जाता है, एक मुद्दा बनकर और प्रभावित करता है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक पहले कांग्रेस ने मराठा कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और खबरें यही हैं कि 21 जून को महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान कर सकती है। और यहां यह बताना जरूरी है कि नारायण राणे समिति ने मराठों को 20% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी, हालांकि जानकारी यह भी है कि राज्य सरकार 20% में से 4% आरक्षण मुस्लिम को देने का भी ऐलान कर सकती है, लेकिन खुद नारायण राणे इसका विरोध कर रहे हैं। मराठों को आरक्षण मिले, उनका यह कहना है, उनकी ही समिति का ये आकलन था कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए और देखिए चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, उसके पहले आरक्षण की राजनीति और देखना है कि आखिरकार फाइनल क्या होता है, 16% आरक्षण या फिर 20% आरक्षण। और ऐसे में जबकि इस तरह से आरक्षण देने को कई दफे अदालतों में चुनौती दी गई है, देखना यह है कि आखिरकार होता क्या है। और ये आरक्षण की जो कहानी है वो सिर्फ यहीं पर हो, महाराष्ट्र में हो, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में आपको याद होगा जब
अकलियतों को आरक्षण देने की बात कही गई थी और अदालत में चुनौती के बाद मामला रुक गया था। अब तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव राज्य के मुसलमानों को 12% आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब यह भी है कि आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की जो कोशिश हुई थी वो रुक गई थी और उसके बाद कानूनी अड़चनों को देखते हुए अभी तक उसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। लेकिन कहना यही है केसीआर का कि चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री नए राज्य तेलंगाना के, और उनका यह कहना है कि वो 12% आरक्षण देना चाहते हैं अकलियतों को। उनका यह कहना था जब वो आज जवाब दे रहे थे गवर्नर के उस अभिभाषण का जो पहले सत्र में हुआ है। इसके पहले उन्होंने फार्म लोन वेवर की भी घोषणा कर दी है और किसानों का कर्जा माफ जबरदस्त तरीके से वहां किया गया है और यह दूसरी सौगात आने जा रही है केसीआर की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात कर 84 के दंगों की जांच कराने की मांग कर दी, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि अकाली और बीजेपी हमेशा इस दंगे की राजनीति को खेलते हैं और जब मौका मिलता है इसे उठाते हैं और मुद्दा यह है कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकाया जाता है। बहरहाल मांग कर दी गई है और इस तरह के जांच के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक भी है एनडीए सरकार, कहा यह भी जाता है। हमारा आइडिया, हमारा मतलब यह है कि जिन्होंने ये सारे कत्लाम किया उसके पीछे हाथ किसका है, कैसी कंस्पिरेसी है, किस किस का वो जिम्मेवार है, पुलिस कितनी जिम्मेवार है, किसने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है, सारा कुछ था उसमें। हमेशा अकाली दल ने और बीजेपी ने जब भी वोटों की बात होती है उस टाइम ये मुद्दे को हमेशा दोबारा आगे लेके आए हैं, लेकिन जब उनकी सरकार चलती है वो उस टाइम भूल जाते हैं इतिहास को कुरेद देने की कोशिश। चलिए आपने सुना होगा वाराणसी में जब चुनाव थे, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो एक स्लोगन सामने आया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये उनका स्लोगन नहीं है। अब आपको एक विराम के बाद हम सुनाएंगे नया स्लोगन और वो होगा हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती।